ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की दसवीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। श्रावण महीने की दसवीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा, शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है, शंकर को कैसे प्रसन्न करना है, शंकर को कैसे प्रकट करना है, शंकर को कैसे प्राप्त करना है, शंकर को कैसे अपना बनाना है, शंकर को अपने करीब में कैसे लाना है, शिव को अपना कैसे बनाना है, यह अपने ऊपर निर्भर करता है। और यदि हम मंत्र जप नहीं पाए तो 3 का स्मरण कर लिया करो। 1 गंगा, पहले नंबर पर कौन है जम के बोलो जरा, गंगा। दूसरे नंबर पर है काशी, दूसरे नंबर पर क्या है काशी, और तीसरे नंबर पर है विश्वनाथ, काशी के विश्वनाथ। ये 3 का जिभ्या पर अगर नाम आ जाता है, ये 3 का स्मरण हमारे जीवन में हो जाता है, तो हमको इस मृत्यु लोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। भोलेनाथ के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।